फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे रमजान इफ्तार स्पेशल एक कटलेट की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे घर में रखे कुछ ही सामानों से हम बना करके हम तैयार कर सकते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है और खाने में इसका टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब का होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 5 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने पहले ही उबाल करके छील लिया है। अब हम एक कद्दूकस लेंगे, इससे हम आलूओं को जो है ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलूओं को जो है हाथों से भी मैश कर सकते हैं या फिर किसी मैशर से भी आप मैश कर सकते हैं। कद्दूकस से क्या होता है, जो आलू जो है बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं, इसमें गुठली वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं रहती है। और इस रेसिपी के लिए हमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आलूओं को हम इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को जो है कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें हम 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल जो है वो गर्म हो गया है, इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हम सरसों डाल देंगे, काली वाली यानी राई, और सरसों को हम चटकने देंगे। तो ये देखिए सरसों जो है एकदम अच्छे से चटक गई है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हम लहसुन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 6-7 करी लहसुन को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम थोड़ा सा हम भून लेंगे। लहसुन जो है वो लाल हो गया है, तो अब हम इसमें हम बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे और अदरक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्ची ली है और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक को जो है छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो अदरक को जो है पीस करके भी डाल सकते हैं। इसको हम भून लेंगे और अब हम इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटे साइज के प्याज को ऐसे रफली काट लिया है और प्याज को हम ब्राउन होने तक हम अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें हम आलू डाल देंगे, जो हमने आलूओं को ग्रेट करके रखा था, और इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे। और अब हम इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हम भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और इसमें हम 1/4 चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स जो है 1/4 चम्मच डालिएगा। और इसमें हम 1 चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो आप नमक जो है थोड़ा सा कम ही डालिएगा। सभी मसालों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम 2-3 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे। हरे धनिए से जो है इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है, तो आप इस रेसिपी में जो है हरा धनिया ज़रूर डालिएगा और इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए हमारी चटपटी सी स्टफिंग जो है बन करके तैयार है। तो हम गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है अंडे लिए हैं। मैंने यहाँ पर 3 अंडों को पहले ही उबाल करके छील लिया था और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। मैंने 1 अंडों में से जो है 4 पीस काटे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम काला नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे ताकि जो अंडे हैं वो फीके ना लगें, इसमें थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर मैंने ये मैदा लिया है, मैंने ये 5 चम्मच जो है मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा हम स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और इसमें हम 1/4 चम्मच हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम घोल बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो मैदे में हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हम एक साथ हम नहीं डालेंगे, नहीं तो मैदे में जो है वो गुठली बन जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें कितना पतला रखना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है घोल बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए हमें जो है इसे इतना पतला रखना है, एकदम स्लरी टाइप। इसको हम साइड में हम रखेंगे। तो ये देखिए आलू भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो हम हाथों में जो है थोड़ा सा हम तेल लगाकर हम चिकना कर लेंगे और मीडियम साइज़ की हम बॉल्स लेंगे और इस तरह से हम हाथों से इसे हम रोल कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से हम फैला लेंगे। इसके बीच में हम अंडे को रखेंगे और इस तरह से इसे हम अच्छे से हम बंद कर लेंगे और इसको हम इस तरह से हम लंबाई में हम अच्छे से हम रोल कर लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से जो है इसे अच्छे से रोल कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है 1 रोल बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें सारे रोल बना करके हमें तैयार कर लेने हैं। तो मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। हम मीडियम साइज़ की हम बॉल्स लेंगे और इसे हम टिक्की की तरह अच्छे से हम फैला लेंगे। इसके बीच में हम अंडे को रखेंगे, इस तरह से इसे हम अच्छे से हम बंद कर लेंगे चारों तरफ से और इसे हम अच्छे से हम रोल कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे रोल को बना करके हम तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को जो है बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने यहाँ पे जो है सारे रोल को बना करके तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने जो मैदे का घोल बनाया है इसमें हम रोल को हम डिप करेंगे और यहाँ पर मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। रोल को हम ब्रेड क्रम्स से अच्छे से हम कोट कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे रोल को जो है बना करके हम तैयार कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने जो है तेल गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था, तो तेल को हम चेक कर लेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गरम है कि नहीं। तो ये देखिए तेल में जो है बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तेल हमारा एकदम अच्छे से गरम है। इसे फ्राई करने के लिए तेल हमारा एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो हम एक एक करके इसमें हम सारे रोल्स को हम डाल देंगे। बार में जितने रोल्स कढ़ाई में आए आपको उतने ही डालना है। इसे हमें तुरंत डालकर इसे हमें तुरंत नहीं पलटना है, इसे हमें 2-3 मिनट के बाद पलटना है जब ये नीचे से थोड़ा सा जो है सिक जाए। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गए, नीचे से एकदम अच्छे से सिक गए हैं, तो इसको हम पलट देंगे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसे फ्राई करने के लिए तेल आपका एकदम बढ़िया से गर्म होना चाहिए, इसको आपको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप इसे अगर हल्के गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो ये जो कटलेट है तेल में फूट जाएंगे और तेल भी बहुत सोखेंगे। तो ये देखिए हमारा कटलेट जो है एकदम अच्छे से सुनहरा हो गया है, तो इसको हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। आप इसे रमजान इफ्तार में जो है बना करके खा सकते हैं, बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सारे कटलेट को निकाल लिए है, अब हम इसको हम प्लेट में हम रख देंगे। इसे रमजान इफ्तार में या फिर आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे जो है बना करके ट्राई कर सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जो है बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुए हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम ये सॉफ्ट होते हैं और इसका टेस्ट जो है बहुत ही गजब का होता है। आप इसे टोमेटो सॉस या धनिया की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा कि मेरे आने वाली नेक्स्ट रेसिपीज की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।